कंप्यूटर नेटवर्क की आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, दैट मींस की टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम बात करेंगे, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क में हम बात करेंगे लैन, मैन, वैन। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस टोपोलॉजीज एंड डिफरेंट टाइप की हमने टोपोलॉजीज उसमें हमने डिस्कस की थी आपसे, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कि टोपोलॉजीज बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विच कंप्राइजेस ऑफ द नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइन्स, सेंडर एंड रिसीवर इज रेफर्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजीज, राइट। सो हमने टोपोलॉजीज में बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोग इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि टोपोलॉजी जो है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, आप उसको जरूर देखिएगा, और इस क्लास में आप लोग पूरे लास्ट तक इसको देखिएगा। मैं आपको लैन, मैन, वैन ये पूरा पढ़ाऊंगा, जानेंगे पूरा डिटेल में कि लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में तीन चीजें हैं। नंबर वन थिंग इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर वन थिंग इज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड थिंग इज मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं, ठीक है, MAN, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में नंबर वन थिंग लैन, नंबर सेकेंड मैन, एंड नंबर थर्ड इज वैन। तो अब ये कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, किस तरीके से हम लैन, मैन और वैन की नेटवर्किंग करते हैं, वो सारी प्रोसेस अभी हम बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों ने सुना जरूर होगा लैन, मैन, वैन होता क्या, ये होता है, ठीक है। लैन का नाम तो मैक्सिमम लोगों ने सुना है, मैन भी सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इनकी प्रोसेस आपको नहीं पता होगी कि कैसे हम कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करते हैं डिवाइसेस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लैन को समझते हैं, ठीक है। तो नंबर वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, ठीक है, ओके। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ स्कूल, लेबोरेटरी, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग। दैट मींस कि मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, लैन। लैन का मतलब क्या है, लैन जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। अब जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस का क्या मतलब होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब हो गया जैसे सपोज दैट कि हम प्रिंटर्स कनेक्ट कर दें, स्कैनर्स कनेक्ट कर दें, या हम कह सकते हैं और कोई हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट कर दें, तो इनको हम कहते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस, राइट। सो कनेक्टेड इन द लिमिटेड एरिया, बिल्कुल सही बात है, कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया में हम कनेक्ट करेंगे, सच एज स्कूल, स्कूल में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में, है ना, घर पे, अपने ऑफिस बिल्डिंग में, तो एक छोटे एरिया में हम जिसको एस्टैब्लिश कर सकें। सो इट इज अ वाइडली यूजफुल नेटवर्क, इट इज वाइडली यूजफुल नेटवर्क फॉर शेयरिंग रिसोर्सेस लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशन, राइट। सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैन नेटवर्क इज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अ प्रिंटर इन समवन्स होम और ऑफिस। जैसे कि हम कभी ऑफिस में प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं, हम यहाँ इस कंप्यूटर से प्रिंट दे रहे हैं और हमारा प्रिंटर कहीं दूर रखा हुआ है और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। या कई सारे कंप्यूटर से हम एक प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं कि मान लीजिएगा प्रिंटर डिवाइस किसी एक कंप्यूटर में, यानी मेन कंप्यूटर में कनेक्टेड है और वहां से ही प्रिंट आउट निकलता है जैसे हम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर किसी और डिवाइस के थ्रू हमने नेटवर्किंग उसकी कर दी है तो वहां से भी हम प्रिंट देंगे तो प्रिंटर अपना काम करेगा, यानी हमको जो प्रिंट लेना है वो भी हो सकता है। सो ये हम कह सकते हैं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैन नेटवर्क इज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अ प्रिंटर इन समवन्स होम और ऑफिस। इन जनरल लैन विल बी यूज्ड एज वन टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम। लैन क्या है, विल बी यूज्ड ऑन वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि लैन में जो नेटवर्क हम करते हैं वो कैसे करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं, ये हमारा मेन कंप्यूटर है, और देखिए ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन कंप्यूटर है,
उसके साथ में हमने देखिए कई सारी डिवाइसेस को देखिए, यहां से ये कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट कर रखा है, ये कई सारे पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये यहां से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होगा, ठीक है, ये डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमने लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। ओके, तो ये आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमने किस तरीके से यहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि लेन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हो सकती है। जैसे सपोज दैट कि इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, है ना, सो बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, प्राइवेटली होगा, राइट। एंड क्या होगा इसमें, इट इज सो कैन आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी नेवर कंट्रोल इट, मतलब कि बाहर की कोई रेगुलेटरी बॉडीज जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और ये जो नेटवर्क एरिया है या जो हम कह सकते हैं ऑफिस में, बिल्डिंग में, कैंपस में हम कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड के आधार पर हम इसको कह सकते हैं स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड द टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, सो अ लैन कैन बी अ सिंपल एज अ टू पीसी अ प्रिंटर्स इन सम वन होम ऑफिस, राइट, और इट कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू आउट अ कंपनी एंड इंक्लूड द ऑडियो एंड वीडियो पेरिफेरल्स। सो करंटली लैन साइज इज लिमिटेड टू द फ्यू किलोमीटर्स, बिल्कुल सही बात है, कुछ ही हम कह सकते हैं, कुछ ही लिमिटेड एरिया में इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कनेक्शन वायर्ड के फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। तो वायर हम एक लिमिटेड एरिया तक ही इसको कह सकते हैं, हम फैला सकते हैं। सो लैन ऑपरेट्स एट अ रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू द अदर वैन सिस्टम, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में हम जहां पे छोटे एरिया में हम जिसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहां पर ऑब्वियसली कि जो हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हायर स्पीड होगी कहीं ना कहीं। सो देर आर द वेरियस काइंड ऑफ द मीडिया एक्सेस कंट्रोल लाइक दैट, सपोज दैट कि जब हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो इस्टेब्लिश करते वक्त हमको दो तरह की लाइक टोकन रिंग एंड ईथरनेट, ईथरनेट जो है वो बेसिकली लैन के लिए ही हम स्टैब्लिश करते हैं, और ईथरनेट को ही हम लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। इंटरनेट में जब हम बात करेंगे तो ईथरनेट जो है वो लैन के लिए यूज किया जाता है। सो लैन्स आर द डिजाइन अलाउ द रिसोर्सेज टू शेयर द बिटवीन द पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन, ठीक है, ओके। सो द रिसोर्सेज टू द शेयर कैन इंक्लूड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में दैट मीन्स की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, है ना, और डेटा। सो अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द लैन फाउंड इन द मेनी बिजनेस इन्वायरमेंट लाइक लिंक्स ऑफ वर्क ग्रुप और टास्क रिलेटेड कंप्यूटर्स, जितने भी हम टास्क रिलेटेड कंप्यूटर्स यूज करेंगे, है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिएगा हम कोई इंजीनियरिंग का एक वर्क स्टेशन है और अकाउंटिंग का पीसी है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लार्ज कैपेसिटी, जैसे सपोज दैट कि कोई डिस्क ड्राइव है, ठीक है, मान लीजिएगा एक ही डिस्क ड्राइव है, एक डिस्क ड्राइव को हम शेयर कर सकते हैं, डिस्क ड्राइव दैट मीन्स कि हार्ड डिस्क है, तो हम एक हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, और सिंगल हार्ड डिस्क से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमको अलग अलग हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम कर सकते हैं नेटवर्क शेयरिंग। नेटवर्क शेयरिंग जब हम कर देते हैं तो नेटवर्क शेयरिंग में सपोज दैट कि एक साथ कई सारे कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारा ये मान लीजिएगा सेंट्रल है और मैंने ये कंप्यूटर डिस्क कनेक्ट कर रखा है, कि ये कनेक्ट कर रखा है, कि ये कनेक्ट कर रखा है, कि ये कनेक्ट कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी नोड कनेक्ट कर रखे हैं, मान ली ए बी सी डी, ये जितने भी मैंने नोड कनेक्ट कर रखे हैं, उन सभी के बीच में जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पर एक ही हार्ड डिस्क होगी, सपोज दैट एक ही हमारे पास एच डी होगी जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर एक एच डी हमारे पास में, और एक ही एच डी से हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, सभी की नेटवर्क की शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टोपोलॉजीज हैं बेसिकली हम जो यूज करते हैं इसमें लैन में, लाइक जैसे बस टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है या हम कह सकते हैं स्टार टोपोलॉजी है, तो ये जो है हम सभी किसके लिए यूज करते हैं, लैन के लिए यूज करते हैं, ओके। और जो लैन है, लैन का जो, अब चूंकि एक चीज और होती है लैन में, जैसे जब हम नेटवर्क इंटरनेट यूज करेंगे, जब हम इंटरनेट यूज करेंगे तो एक चीज और आएगी, क्या आएगी, डेटा रेट। डेटा रेट, और डेटा रेट का मतलब जैसे स्पीड से होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जब आपको कोई भी कनेक्शन आप कभी लेते हैं तो उसमें लिखा होता है 4 Mbps, 4 Mbps, ठीक
ठीक है। तो 4 Mbps से मान लीजिएगा 16 Mbps, तो इतनी रेंज का आपको स्पीड मिलेगी। पर आज तो हमको जो स्पीड मिलती है वो 100 Mbps से हम कह सकते हैं 1000 Mbps तक की आज आपको स्पीड मिल रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन की किस तरह का हमको नेटवर्क यहाँ पर मिल रहा है, किस तरह से हमको यहाँ पर कनेक्शन हम लोग ले रहे हैं, राइट। सो ये है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। अब देखिएगा एडवांटेजेस क्या हैं। सो कंप्यूटर रिसोर्सेस लाइक हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम एंड प्रिंटर्स कैन शेयर लोकल एरिया नेटवर्क्स। जैसे अभी हमने आपकी बात की थी कि हार्ड डिस्क हो सकती है, डीवीडी रोम हो सकती है, एक ही प्रिंटर कई सारे कंप्यूटर्स को शेयर कर सकता है। सो द सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर परचेजेस। मतलब कि आपको अलग अलग डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, हर एक मान लीजिएगा कंप्यूटर है आपके साथ में और आपने अलग अलग प्रिंटर ले लिए, अलग अलग हार्ड डिस्क ले ली और आपको कनेक्ट करना है, नहीं, आपको एक ही सिस्टम ने सारी चीजें आपको करके रखनी है। तो बस आपको क्या करना है, नेटवर्क शेयरिंग करनी है, आपको लैन लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। सो यू कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क इंस्टीट ऑफ द परचेजिंग द लाइसेंस सॉफ्टवेयर फॉर ईच क्लाइंट इन द नेटवर्क। दैट मीन्स ये आप कहने का मतलब ये है कि आप एक सेम सॉफ्टवेयर से ही जितने भी ओवर द नेटवर्क, यानी कि जितने भी आपको नोट्स या कंप्यूटर जितने भी यूज करना है उनके लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर एक ही यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक ही सॉफ्टवेयर से हम पूरे नेटवर्क को कवर कर सकते हैं। सो डेटा ऑफ ऑल नेटवर्क यूजर्स कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। डेटा ऑफ ऑल नेटवर्क यूजर्स, जितना भी हम एस्टेब्लिश करेंगे यानी जो भी डेटा होगा वो हमारे जितने भी नेटवर्क यूजर्स होंगे, स्टोर्ड इन अ सिंगल हार्ड डिस्क, एक सिंगल हार्ड डिस्क में कर सकते हैं और एक सर्वर कंप्यूटर पर हम उसको रख सकते हैं। सो यू कैन इजीली ट्रांसफर डेटा एंड मैसेज ओवर नेटवर्क कंप्यूटर। जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर है, हम एक मैसेज, जितने भी हमारे सिस्टम रखे हुए हैं, हम सभी को कनेक्ट कर सकते हैं और एक मैसेज को हम सभी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इट विल बी इजी टू मैनेज डेटा एट ओनली वन प्लेस विच मेक्स डेटा मोर सिक्योर। मतलब एक प्लेस पर ही हमारा पूरा डेटा रखा हुआ है जो कि मुझे लगता है ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। सो लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स द फैसिलिटी टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स फैसिलिटी टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग ऑल द लैन यूजर्स। मतलब आपको सिर्फ एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की यूज होती, क्योंकि आपको एक मॉडम इस्तेमाल करना होगा और उस मॉडम से ही आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, ठीक है, या स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो स्विच से ही सारे कंप्यूटर आपके लैन में कनेक्टेड होंगे। तो एक ही नेटवर्क आपको लेना पड़ेगा, तो अलग अलग नेटवर्क की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली ये थे एडवांटेजेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिएगा डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए किसी भी चीज के एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे कहीं ना कहीं। तो अब आपको बताता हूं मैं डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सो हेयर आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द लेंस। लैन विल इंडीड सेव कॉस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज, बट लैन जो है सेव तो कर रहा है कॉस्ट, जितने भी हम कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, बट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज क्वाइट हाई। जब हम इनिशियल कॉस्ट पर जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में तो काफी हाई हो जाता है, ठीक है, एक ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, द लैन एडमिन कैन चेक पर्सनल डेटा फाइल्स ऑफ एवरी लैन यूजर। मतलब जितने भी लैन के यूजर्स कनेक्टेड हैं, सपोज दैट, जैसे कि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि मान लीजिएगा ये मेरा है मेन कंप्यूटर, सॉरी ये मेरा है मेन कंप्यूटर, ये मेरा है मेन कंप्यूटर, ठीक है, ये मेन कंप्यूटर है और यहां पर ये है मान लीजिएगा ए, ये मान लीजिएगा बी, ये मान लीजिएगा सी, ये मान लीजिएगा डी, ठीक है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मेन कंप्यूटर है ये सभी लैन यूजर्स का डेटा चेक कर सकता है, ठीक है, जितना भी पर्सनल डेटा है। सो इट इज नॉट, इट डजंट ऑफर गुड अ प्राइवेसी, ठीक है ना, इट डजंट गुड ऑफर अ प्राइवेसी, ये आप समझ पा रहे हैं, ओके। देखिए अब
अनऑथराइज यूजर नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो क्या है, अनऑथराइज यूजर कैन एक्सेस क्रिटिकल डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ लैन एडमिन इज नॉट एबल टू सिक्योर सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी। दैट मींस कि अगर आपने देखिए एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं और लैन एडमिन क्या है, अगर सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी नहीं करता है तो अनऑथराइज यूजर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट बात क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्स अ कांस्टेंट लैन एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर सेटअप एंड हार्डवेयर फेलियर्स। तो ये एक अनदर ड्रॉबैक है लैन का। ओके चलिए अब बात करेंगे हम, इस तरीके से हमने लैन जाना, लैन के फीचर्स जाने, लैन के एडवांटेजेस जाने और लैन के डिसएडवांटेज जाने। तो ये तो था लैन, अब हम जानेंगे वैन। तो वैन सॉरी मैन है ना, मैन जानेंगे। ओके सो मैन क्या है, मैन बेसिकली मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क। मैन को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क। सो अब मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क और मैन इज अ कंसिस्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी कॉलेज कैंपस और अ स्मॉल रीजन। दैट मींस कि देखिए लैन से बड़ा फॉर्म है मैन। मैन जो है एक सिटी में स्टैब्लिश किया जा सकता है, एक टाउन में स्टैब्लिश किया जा सकता है, या एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर स्टैब्लिश किया जा सकता है, जैसे कि कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, कोई कैंपस हुआ, या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में कोई एक मैन सॉरी लैन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क को भी स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ द नेटवर्क इज अ लार्ज देन अ लैन विच इज मोस्टली लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दिस टाइप ऑफ द नेटवर्क अलाउज यू टू कवर एन एरिया फ्रॉम द सेवरल माइल्स टू 10 ऑफ द माइल्स, कुछ माइल से 10 मील्स तक का हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं लैन को हम कुछ किलोमीटर्स में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोनों बातें हुई, लैन जो है उसको हम फ्यू किलोमीटर्स में हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि है ना, और यहीं पर हम मैन की बात कर रहे हैं तो कुछ माइल्स यानी सेवरल माइल्स लाइक हम कितना 10 माइल्स तक हम इसको कह सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है हम टाउन में हो सकता है, कोई सिटी में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कोई हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैन को अभी एस्टैब्लिश भी करके बताएंगे आपको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए क्या इसका एग्जांपल है, बेसिकली देखिए ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मैन में बेसिकली जो मैन है देखिए, तो अब देखिए ये मैन है, अब देखिएगा यहां पर इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, एक लैन टू गई है, लैन वन गया है। ठीक है, लैन वन है हॉस्पिटल लैन, ठीक है लैन टू है कॉलेज लैन, लैन थ्री जो है वो फैक्ट्री लैन है और लैन फोर जो है वो स्कूल लैन। इसका मतलब हम दो तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि कभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि एक आईएसपी है, तो आईएसपी जो है मेन आईएसपी जो है वो हॉस्पिटल को भी अपना कनेक्शन दिए हुए हैं, कॉलेज में भी कनेक्ट किया हुआ है और सर्विसेज अपनी फैक्ट्री को भी दिया हुआ है और स्कूल्स को भी दिया हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एक लार्ज एरिया में हमने एक नेटवर्क को बनाया हुआ है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भी उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली उसे हम कहेंगे मैन यानी कि मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या जाना, अ मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क with a size between a LAN and a WAN. So it normally covers the area inside a town or city. So it is a design for the customer who need a high speed connectivity like ठीक है, so good example of the MAN, the part of the telephone company network that can provide a high speed right connect. अब देखिए MAN को हम कैसे बोल सकते हैं, regional office होगा वहां से हमने connect कर रखा होगा जितनी भी telephone lines हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग जगह पर एक बॉक्सेस बना रखे हैं जहां से हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम मैन कहेंगे। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। सो हियर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मैन नेटवर्क, नंबर वन थिंग इट मोस्टली कवर्स
टाउन्स एंड सिटीज इन द मैक्सिमम 50 किलोमीटर रेंज, लगभग 50 किलोमीटर की रेंज तक ये कवर कर सकते हैं. सो मोस्टली यूज द मीडियम इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. डेटा रेट्स एडिक्वेट फॉर आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन. बेसिकली हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम जो भी केबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए आजकल हम फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली. ओके, सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है. देखिए एडवांटेजेस क्या है. सो हियर आर एडवांटेजेस. नंबर वन थिंग फर्स्ट एडवांटेज, इट ऑफर्स फास्ट कम्युनिकेशन यूजिंग हाई स्पीड कैरियर लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ठीक है ना. हाई स्पीड कैरियर का मतलब क्या हुआ कि जो आज हम कम्युनिकेशन देखे स्पीड देख रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ में हम लोगों ब्राउजिंग करें, सर्फिंग करें, डाउनलोडिंग करें, इंटरनेट पे अगर हम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत इजीली हैं, राइट. ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है, अब हम केबल्स की जब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम केबल्स के ही बारे में बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कम्युनिकेशन को या कनेक्शन को वो किसके थ्रू कर रहे हैं, केबल्स के थ्रू कर रहे हैं या विदाउट केबल कर रहे हैं. तो वो सब बातें हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में. अभी हम ये बात समझ लें कि केबल होती है, केबल का एक टाइप है जो कि है फाइबर ऑप्टिक. सबसे हाई एक्सपेंसिव केबल होती है और बहुत ही स्पीड इसमें होती है क्योंकि सबसे ज्यादा तेज स्पीड इसी केबल के थ्रू हमको मिलती है. ये बात हम आपको एक इन शॉर्ट बता दें. आप लोग अभी कई बार इंटरनेट कनेक्शन, जैसे अभी आपने वो ने जो जियो फाइबर है, जियो का फाइबर आ गया क्योंकि जियो ने अपना फाइबर केबल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उसके थ्रू आपको स्पीड बहुत तेजी के साथ मिलती है. तो वो सब बातें अभी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स एक्सलेंट सपोर्ट फॉर एक्सटेंसिव साइज नेटवर्क एंड ग्रेटर एक्सेस टू वेंस. ठीक है. नेक्स्ट बात यह है, द ड्यूअल बस इन द मेन नेटवर्क प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन कॉन्करेंटली. अब देखिए ड्यूअल बस का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट आपका अभी बस में हम क्या करते हैं, जो बस टोपोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें यूनि डायरेक्शनल है. ठीक है, लेकिन अगर ड्यूअल बस का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने रिंग टोपोलॉजी में डबल रिंग की बात करी थी, तो हमको अगर एक रिंग हमारा कनेक्शन एक फेल हो जाता है तो दूसरे रिंग से हम उसको बैकअप के फॉर्म में यूज कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्यूअल बस. सो ड्यूअल बस इन द मेन नेटवर्क प्रोवाइड द सपोर्ट टू ट्रांसमिट डेटा इन द बोथ डायरेक्शन कॉन करंटली. मतलब सेम समय पर हम डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हैं, राइट. सो अब मेन नेटवर्क मोस्टली इंक्लूड सम एरियाज ऑफ द सिटी एंड इंटायर सिटी. वही बात जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे. अब बात करेंगे हम, चूंकि एडवांटेजेस हमने देखे हैं किसी भी चीज के, तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे. डिसएडवांटेज में क्या है, यू नीड मोर केबल टू एस्टैब्लिश. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सो यू नीड मोर केबल्स टू एस्टैब्लिश मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. इन मैन नेटवर्क इट इज अ टफ टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स. तो हमें हैकर से भी इसको बचाना होगा, तो उसके लिए सिस्टम काफी टिपिकल है, राइट. तो इस तरीके से अब देखिएगा है क्या एक्चुअल में, मैंने आपको दिखा भी दिया. अब बात करेंगे नेक्स्ट, वो है वाइड एरिया नेटवर्क. क्या है वाइड एरिया नेटवर्क? सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क लैन से भी ऊपर, मतलब मैन से भी ऊपर है, सबसे नंबर वन हम कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क के बाद हम मैन और मैन के बाद में हम लैन. सो वैन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क दैट विच इज स्प्रेड क्रॉस अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है ना, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इमेज ऑडियो एंड वीडियो इंफॉर्मेशन ओवर द लार्ज ज्योग्राफिक एरियाज, राइट. सो दैट मे बी कंप्राइजेस अ कंट्री, या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट. एक किसी देश में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट में इसको कर सकते हैं, और इवन द होल वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो बेसिकली अ वैन कैन बी द कॉम्प्लेक्स, है ना, क्योंकि जब हम किसी कंट्री में, अब या कंट्री के बाद में हम किसी कॉन्टिनेंट में इसको एस्टैब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, राइट. अब जो वैन है वो हम दो तरीके से इसमें एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, दो तरीके से. नंबर वन कैसे, नंबर वन एक तो स्विच्ड वैन कहते हैं, है ना, एक तो स्विच्ड वैन, है ना, एक तो हम कहते हैं स्विच्ड वैन. ओके, ये सभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा. अभी मैं आपसे जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है.
एक तो दूसरा ये, और मैं कह सकता हूं इसमें एक तो स्विच्ड हो गया, दूसरा हो गया पॉइंट टू पॉइंट होता है, राइट, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट वैन, दो तरीके से हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। अच्छा एक चीज और है, जो पॉइंट टू पॉइंट वैन है इज करंटली हम बात करते हैं, जो ये है वो है लीज्ड लाइन, ठीक है, लीज्ड लाइन। ओके, क्या होती है लीज्ड, लीज्ड लाइन, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, लीज्ड लाइन। और यहां पर स्विच्ड बैंड का मतलब स्विचेस का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्विच्ड बैंड का मतलब हम कह सकते हैं, स्विच्ड बैंड मतलब कनेक्ट द एंड सिस्टम कंप्राइज, यहां पर हम कहते हैं राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बेसिकली राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम इंटरनेट की बात करेंगे, राइट। ओके अच्छा एक चीज और है, लीज लाइन का जैसे कि हम बात करेंगे लीज लाइन, जैसे हम टेलीफोन के लिए लीज लाइन किस किस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, केबल टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम वाइड, क्योंकि देखिए आज हम अमेरिका में भी वो चैनल्स टीवी के देख सकते हैं जो हम इंडिया में देख सकते हैं, या जो इंडिया के चैनल्स हैं वो हम अमेरिका में देख सकते हैं, या अमेरिका के चैनल्स आज हम इंडिया में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, कनेक्शन ही तो है, वाइड एरिया नेटवर्क ही तो है, इसको हम वाइड क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। सो हम दो तरीके से कर सकते हैं, लीज लाइन से शुरू, जैसे कि टेबल टेलीफोन कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं, या हम केबल टीवी के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो केबल टीवी प्रोवाइडर क्या करते हैं, कनेक्ट होम कंप्यूटर और स्मॉल लैंड टू तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी ये आईएसपी के थ्रू ही सारी कहानी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी मैंने आपसे बात की थी। ओके सो दिस टाइप ऑफ द वैन इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। सो बेसिकली हम इसका किसके लिए यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस। ओके ओके सो इसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ओके अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं, तो यहां पर देखिए कि देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में एक सेंट्रल जो भी है, तो यहां पर एक मेन आईएसपी होगा, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर मेन आईएसपी होगा, और मेन आईएसपी में ये देखिए ये बैन है, तो अब वैन से हम लैन भी कनेक्ट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ लैन कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिएगा लैन टू यहां पर हमने कनेक्ट किया, या हमने लैन वन कनेक्ट किया, ठीक है, इसमें हमने मैन वन भी हम मैन कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो एक मैन कनेक्ट हुआ, इसके बाद में एन नंबर ऑफ मैन हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ लैन या एन नंबर ऑफ मैन हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैन में हम वैन हम मान लीजिएगा ऐसे समझ लेते हैं, जो हम वैन यूज कर रहे हैं कि सपोज दैट के कंट्री होगा, और उस कंट्री में हमने अलग 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 क्या दे रखे हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर दे रखे हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं कि सपोज दैट के स्टेट्स में हमने वहां पर भी वैन का इस्तेमाल किया है, अलग अलग वैन इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने अलग अलग यहाँ पर अब एक एक जगह पर हमने क्या रखे रखे हैं, मैन कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना, मैन कनेक्ट कर रखे हैं, इसके बाद में हमने लेंस कनेक्ट कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम इस कनेक्शन को ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट कनेक्शंस के लिए बेसिकली हमको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे वो हमको इस नेटवर्क एरिया को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम जानेंगे, ये तो हमने एस्टेब्लिश देख लिया कि कैसे होता है एक डायग्राम के माध्यम से, अब हम जानेंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो द सॉफ्टवेयर फाइल्स विल बी द शेयर्ड अमंग ऑल द यूजर्स, द सॉफ्टवेयर फाइल्स विल बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द यूजर्स, देयर फॉर ऑल कैन एक्सेस टू द लेटेस्ट फाइल, या एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म इट्स ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क यूजिंग द वैन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर सकता है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क यूजिंग द वैन, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और देखिएगा अब हम इसके एडवांटेजेस पे जाएं, तो एडवांटेजेस क्या हैं, वैन हेल्प्स यू टू कवर अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, देयर फॉर द बिजनेस ऑफिस सिचुएटेड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस कैन इजिली कम्युनिकेट। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिएगा हमारा अमेरिका में एक ऑफिस है और हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, हमको कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, विदाउट इंटरनेट हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। या हम सपोज दैट की यूएस कंट्री में ही बात करेंगे, तो यूएस कंट्री में भी कई सारी स्मॉल कंट्रीज हैं, वहां पर हमको किसी भी ऑफिस में कम्युनिकेट करना होगा तो हम
वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से ही इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है व्हेन हेल्प्स यू टू कवर अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंटेन्स द डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड गेमिंग कंसोल्स। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स, आज मोबाइल फोन के माध्यम से यहां पर बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे, देश विदेश कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक अनदर एडवांटेजेस। VLAN WLAN कनेक्शंस वर्क यूजिंग द रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड, यानी कि WLAN क्या है, कनेक्टर कनेक्शंस वर्क यूजिंग द रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स बिल्ट इनटू द क्लाइंट डिवाइसेस। ओके, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए, द एंटायर सेटअप कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। बिल्कुल सही बात है, जो इनिशियल सेटअप होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट होगी बहुत हाई होगी। ठीक है, इट इज अ डिफिकल्ट टू मेंटेन द वैन नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। सो यू नीड स्किल्ड टेक्नीशियंस एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत ही कह सकते हैं स्किल्ड टेक्नीशियन का मतलब बहुत ही ट्रेंड टेक्नीशियंस की नीड होगी, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होगी जो सारी चीजों को मैनेज कर सकें, जो सारे नेटवर्क को मैनेज कर सकें। ठीक है ना, सो देयर आर मोर एरर्स एंड इश्यूज बिकॉज ऑफ द वाइड कवरेज। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी एरर्स भी इसमें होंगी, बहुत सारे इश्यूज भी होंगे इतने बड़े कवरेज को करने के लिए, इतने बड़े एरिया में एस्टेब्लिश करने के लिए द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल सही बात है, हमें एक टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलाता, हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज का हमें इस्तेमाल करना होगा, जो बेस्ट होगी वो हमको इस्तेमाल करना होगा। इट रिक्वायर्ड, अब क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को हमको एस्टेब्लिश करना होगा तो हमको बहुत सारी कॉस्ट की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत हो सकती है, कई सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत हो सकती है, या हमको कई सारे एप्लीकेशन की जरूरत हो सकती है, तो बहुत सारी चीजों को हमको यहाँ पर देखना होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू रिजॉल्व इश्यूज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीपल वायर। बिल्कुल सही बात है, तो काफी टाइम इसमें हमको एस्टेब्लिश करने में लगेगा, क्योंकि इतने सारे वायर्स होंगे, इतने सारे इतना बड़े एरिया में नेटवर्क हमको हमको एस्टेब्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं उसको टाइम भी लगेगा। इवन वायर्ड करेंगे या वायरलेस टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी को हमको इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं हमको टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिएगा कोई फॉल्ट होता है, ठीक है ना, कोई फॉल्ट होता है तो हमको रिजॉल्व करने में भी बहुत समय लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर किस प्रॉब्लम, कहां पर प्रॉब्लम हुई है, या किस वायर में प्रॉब्लम हुई है, किस जगह पर प्रॉब्लम हुई है, जहां से, क्योंकि कोई भी फॉल्ट होता है कोई, तो हमको उसमें फॉल्ट भी ढूंढना पड़ेगा, तो वो सारी चीजों को रिजॉल्व करने में मे भी काफी समय लगता है। तो ये एक हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑफर्स लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ द नेटवर्क। बिल्कुल सही बात, इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी प्रोविजंस भी बहुत लगेंगे, तो ये भी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का भी प्रोविजन हमको लगता है, अगर हमने उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो ये एक डिसएडवांटेज होगा या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हैकर्स होंगे वो आपके एरिया, आपके नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, आपके पर्सनल डेटा को हैक कर सकते हैं एक सिस्टम में, तो ये इसके लिए हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, दैट मींस कि लैन, मैन और वैन, किस तरीके से हम नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं, किस तरीके से हम समझ पाए हैं कि नेटवर्क है क्या, एक्चुअल में टाइप्स ऑफ नेटवर्क है क्या। सभी ने पढ़ा है लैन, मैन, वैन, पर एक्चुअल में उनकी वर्किंग नहीं पता, एक्चुअल में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, एक्चुअल में हमको ये नहीं पता कि बेसिकली है क्या। तो इस लेक्चर में मैंने आपसे सारी बातें डिस्कस की हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे जो ट्रांसमिशन मीडिया है किस तरह से अब हम करेंगे, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लाइक जैसे वायर्ड है या अनवायर्ड है या वायरलेस है, वो अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इस लेक्चर में काफी इंजॉय किया होगा, एंड मुझे लगता है कि अब आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।